हमेशा वजूद ही नहीं रखती। बस वो सबाने बेजबानी से इरादे में कहता है हो जा, ना होने को होना करने वाले ये जोदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मालिक कह रहा है जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूज रहे हो ये किसी चीज को पैदा कर ही नहीं सकते। और ये क्या पैदा करें, वहुम युखलकून, इनको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, ये खुद मखलूक है अल्लाह की। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ضرًّا ولا نفعًا, ये अपनी जानों के लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं। और अल्लाह की कसम अगर सैयदना अली अपनी जान के नफा नुकसान के मालिक होते, उन्हें खारजियों का के इस फितने का मुकाबला क्यों करना पड़ता, वो क्यों शहीद होते, उनके बेटे हसन को जहर क्यों दिया जाता, सैयदना हुसैन करबल में कूफी जालिमों के हाथों खानदान क्यों कटवाते। अगर उनके हाथ में नफा नुकसान होता, कम से कम अपनी जानों से तो नुकसान को दूर कर देते। नफा भी अल्लाह के हाथ में, नुकसान भी अल्लाह के हाथ में, पैदा करना भी अल्लाह के हाथ में, मौत देना भी अल्लाह के हाथ में। वला यमलिकूना मौतं वला हयातं वला नुशूरा, जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनकी सदाएं लगा रहे हो, ना इनके हाथ में मौत, ना जिंदगी, ना दोबारा उठाया जाना, इन तमाम चीजों का मालिक अर्श वाला अल्लाह है। आप जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी बता लें, कुरान हकीम के ये आवाजें सुनने के बावजूद आज अवाम को दरस क्या दिया जाता है, आइए तस्वीर का ये रुख भी देख लें। एक कव्वाल गैरुल्लाह को किस तरह पुकार रहा है, उसकी कव्वाली सुनिए। कहते अकरबा, क्यों रो रहे हो, कोई तन्हा नहीं हूं, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीजों, मेरी मोहब्बत करने वालों, क्यों रो रहे हो, मैं कोई तन्हा नहीं हूं, गुलाम गौसे आजम, गौसे आजम साथ है, रोने की फिक्र नहीं है, रो क्यों रहे हो, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हूं और पीर अब्दुल कादिर जिलानी मेरे साथ खड़े हैं। मुनकरो नारे जहन्नम से डरो, हशर में होगा निजाम दस्तगीर। ऐ पीर जलानी को ना मानने वालों, हशर में पीर अब्दुल कादिर जलानी का निजाम होगा, इसी की हुकूमत होगी, ये जो चाहेगा कर गुजरेगा। इमामुल अंबिया हसनैन की मामा से, लखते जिगर से, अली की जोजा से, खातून जन्नत से, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कह रहे फातिमा, अमल करना, बेटी पकड़ी गई, ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैआ, अगर रब ने किसी मसले पे पकड़ लिया, मैं मोहम्मद तेरा बाबा तुझे नहीं छुड़ा सकेगा। और यहां कह रहे पीर जलानी को ना मानने वाले मुनकिरो, डरो, क़यामत के दिन पीर जेलानी का निजाम होगा। और हम कहते हैं रब के साथ शिर्क करने वाले लोगों, डर जाओ कि क़यामत के दिन सिर्फ रब का ही निजाम होगा। मेरे नबी ने कहा है मेरी उम्मत, कहीं ये ना हो क़यामत के दिन तुम आओ, तुम्हारी गर्दन ऊंट के मुंह में हो, वो बिलबिला रहा हो, तुम मुझे तलाश करते हुए आकर कहो मदद करो अल्लाह के नबी, जान छुड़ा दो, मैं एक ही जवाब दूंगा, कद बल्लग, मैं दुनिया में पूरी शरीयत बता कर आया था, अमल करते तो जान छुट जाती। लेकिन यहां दरस क्या दिया जा रहा है, कुरान की सारी आयात जो आपको सुनाई उसको दिल में ताजा रखिए, याद रखिए और सुनिए। कवाल कहता है पुकारो शाह जीला को, पुकारो शाह जीला पीर अब्दुल कादिर जिलानी, पुकारो शाह जीला को, पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। Yeah।
सहारा नहीं। वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी को पुकार ले, किस्मत बदल जाएगी। और कुरान कह रहा है दुनिया वालों रब को पुकार लो, किस्मत बदल जाएगी। وقال ربكم ادعوني استجب لكم, اے میرے بندو موت سے پہلے پہلے, سانس اٹکنے سے پہلے پہلے, سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے, سورج مغرب میں طلوع ہونے سے پہلے پہلے, ایک مرتبہ میرے بندے سچے دل سے توبہ کر لے, ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے قسمت بدل دوں گا۔ اور یہاں رب کے ساتھ پیرو بابو کو کیسے شریک کیا جا رہا؟ قوال کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے, بھکاری بن کر آؤ۔ یہ در محبوب سبحانی کا در ہے, بھکاری بن کر آؤ, نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ سارے غموں کا علاج ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایوہ الناس, اے لوگو, کافر بھی, مشرک بھی, مومن بھی, موحد بھی, مسلمان بھی, غیر مسلم بھی, یا ایوہ الناس, اے آدم کے بیٹو, انتم الفقراء اللہ, تم سارے رب کے بھکاری ہو, رب کے سوالی ہو, رب کے منگتے ہو, رب کے محتاج ہو, غنی کرنے والا اکیلا اپنے عرش پر ہے۔ یا ایوہ الناس, یا ایوہ الانسان, ما غرک بربک الکریم, اے انسان, اے انسان, تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ آج تو قوالی کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہو پیر جلانی کے بھکاری بن جاؤ۔ ارے ماں کے پیٹ میں یہ کس کا بھکاری تھا؟ ٹپکتے ہوئے منی کے گندے پانی سے اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں اس کو خوراک کون دیتا تھا؟ 9 مہینے اس کی پرورش کس نے کی؟ ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ پیر جیلانی نے یا عرش والے اللہ نے؟ رہے ہر دم خیال غوث اعظم, ہر دم اللہ کا خیال رہنا چاہیے یا پیر جیلانی کا؟ کہا ہر دم رہے خیال غوث اعظم, کرو تم نام جیلا کا وظیفہ, بہار زندگی ہے بے سہارو۔ رہے ہر دم خیال غوث اعظم۔
गुजारो जिंदगी बस हो गुजारो जिंदगी बस तू I'm not afraid to die.